आपकी जो प्राइम ड्यूटी है वो है टू स्कोर रन्स, ओके। और रन स्कोर करने के लिए आपको विकेट पे रुकना बहुत ज़रूरी है। विकेट पे रुकने के लिए आपके पास सॉलिड डिफेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और सॉलिड डिफेंस के होने के लिए आपके पास एक डिफेंसिव स्ट्रोक की अच्छी टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक डिफेंसिव शॉट ही करने वाले हैं, फ्रंट फुट का डिफेंसिव शॉट। ये एक सीधी बॉल को खेला जाता है, जो हम दो सेट जो स्टंप्स के हैं लाइन टू लाइन ले लें तो स्टंप्स की लाइन के भीतर की जो बॉल होती है और हम आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो बॉल होगी उसको भी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हम अपनी विकेट को डिफेंड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, विकेट में स्टे करने के लिए हम अपनी विकेट को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये किस बॉल को खेला जाता है ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये होती है गुड लेंथ बॉल। गुड लेंथ बॉल जो स्पॉट है गुड लेंथ का, वो बैट्समैन टू बैट्समैन वेरी करता है। बैट्समैन लंबा होगा, बैट्समैन शॉर्ट होगा, उसकी हाइट के हिसाब से ये लेंथ आगे पीछे हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर रहे हैं कि ऐसी लेंथ जिसको बैट्समैन फ्रंट फुट पे जाके अटैक ना कर सके और बैक फुट पे आके ब्लॉक करने की पोजीशन में भी ना रहे, उस बॉल को हम फ्रंट फुट पे रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक खेलेंगे। इसमें जैसे हमने ड्राइव्स में किया था कि हमारा हेड एंड फ्रंट शोल्डर बॉल की लाइन की तरफ लीड करता है, यहाँ भी हेड एंड फ्रंट शोल्डर राइट हैंड बैट्समैन के लिए लेफ्ट शोल्डर बॉल की लाइन की तरफ लीड करेगा। आपका फ्रंट फुट बॉल की लाइन की तरफ एंड अलोंग साइड द लाइन ऑफ द बॉल मूव करेगा। फ्रंट नी आपका बेंड रहेगा इस तरीके से कि आपका सारा बॉडी वेट आपके फ्रंट फुट पे आ रहा है, और बेंड फ्रंट नी आपके हेड को जो इसकी एक पोजीशन रिक्वायर्ड है लो आने की, वहां लाने में आपकी हेल्प करेगा। ग्रिप के ऊपर, बैट के ग्रिप के ऊपर आपका टॉप हैंड फर्म रहेगा, बॉटम हैंड रिलैक्स रहेगा, यहां तक के जैसे ही आपने स्ट्रोक को डिसाइड किया फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक है, आपका टू फिंगर एंड थम ग्रिप में, बॉटम हैंड का ग्रिप आना चाहिए, टू फिंगर एंड थम, और ये हाथ जो है ये स्लाइड डाउन कर जाएगा बॉटम ऑफ द हैंडल तक। ये इसकी छोटी सी टेक्निक है। क्योंकि ये डिफेंसिव स्ट्रोक है, इसमें कोई फॉलो थ्रू नहीं है, इसमें एक आर्ट है जो आपकी बैट की स्पीड आती है, बैट की स्विंग आती है, जो एक्सेलरेशन होती है बैक डाउन स्विंग की, उसको आपने डी एक्सेलरेट करना है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जो जो बैट्समैन इस कला को सीख जाते हैं डी एक्सेलरेट करना अपनी बैट की स्विंग को, उनकी पकड़ इस स्ट्रोक पे बहुत अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इंस्टिंक्टिवली हम जितने बैटर जितने बैट्समैन हैं, हम एक एग्रेसिव माइंड सेट में होते हैं, मेंटल एटीट्यूड हमारा एग्रेसिव होता है, और डिफेंसिव स्ट्रोक के लिए आपको उस माइंड सेट से अपने आप को एकदम डिफेंसिव मोड में लेके आना है, और ये पॉसिबल तभी है जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब मैं आपको इसका डेमो दे रहा हूँ कैसे होगा, फिर हम बारी बारी से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको इसकी लगातार कंसिस्टेंटली टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। माइंड इट, आप भूलना मत इसको कि फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक इज द मदर ऑफ ऑल द फ्रंट फुट ड्राइव्स। आई रिपीट इट वेरी स्ट्रांगली, फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक इज द मदर ऑफ ऑल द वर्टिकल फ्रंट फुट वर्टिकल बैट स्ट्रोक्स। ओके, तो मुझे एक बच्चा अरण्य आप फीड करिए और मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। आप इसको जैसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आप ऐसे ही करने की कोशिश करना। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी है, जैसे बैक लेग मेरा स्ट्रेट रहेगा ये देखना है आपको, टो मेरी बहुत फर्मली ग्राउंडेड है ये भी आपको नोट करना है, नाउ अब ये जो पोजीशन है ये पोजीशन ये आपको हेल्प करेगी। कई बार क्या होता है कि हम हमारी टेंडेंसी बन जाती है फ्रंट फुट डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के लिए, हमारा पैर ड्रैग कर जाता है,
जब पैड ड्रैग करता है तो ध्यान रखिए कि स्लो बॉलर पे कीपर अप स्टांस में होता है। एक एक मिलिट्री पेस का जो बॉलर होगा उसके लिए कीपर अप स्टांस में होता है। कई बार तो जो 120-125 किलोमीटर की स्पीड के भी बॉलर हैं, अच्छे अच्छे कीपर, इवन 130 वाले के वो भी कीपर ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में आप ट्रैप हो सकते हो, आप स्टंप हो सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको बैक फुट का जो टो है उसको फर्मली क्रीज के अंदर ही आपको करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्रीज की मार्किंग है, मेरा बैक फुट ये इसके अंदर ही रहेगा। आपने ड्रैग किया, आप बाहर आए तो आपका स्टंप हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। फिर बॉल थोड़ा पीछे रखना बेटा। यस, नाउ सी, ऑलराइट। एक चीज और जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि मेरे इस पोजीशन में ये हाथ हेड और ये हाथ और ये बैट, ये नाइन की पोजीशन बना रहा है। ये नाइन की पोजीशन आपको चेक करनी है, फिर देखना एक बार। अब ये देखो, ये हाथ, ये हाथ, ये बैट और हेड, ये कुल मिला के नाइन की पोजीशन बना रहा है। जब जब आपकी नाइन की फिगर बन रही है तो आप ये लेके चलिए कि आपका स्ट्रोक बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, ये आपको मैंने डेमोंस्ट्रेशन दिया है, ऐसे ही करने की कोशिश करिए। वन बाय वन हमें आप ही फीड करिए। आप आइए सबसे पहले, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा मैंने कहा था, हाँ, बॉटम हैंड को स्लाइड डाउन करने की कोशिश करो। वेल डन। नाउ सी, इसकी जो मैं बता रहा हूं नाइन फिगर, आप देखिए ये घूमा, ये हेड और ये बैट, ये इसकी नाइन की फिगर बन रही है। ये देखो, ये चला पूरा, ये फिगर नाइन की सजेस्ट करती है कि हमारी टेक्निक अच्छी चल रही है। नाउ बैट इज क्लियरली अहेड ऑफ योर फ्रंट पैड। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होगा कि आपका अगर एज भी होता है, वो एज बजाय पैड के लगने के ग्राउंड के ऊपर ही रहेगा। आजकल पैड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर वो एज पैड में लगेगा, पैड में लग के जो ऊपर क्लोजिंग फील्डर्स होते हैं उनके पास कैच आने का चांस बन जाता है, इसलिए बैट हमारा थोड़ा सा पैड के आगे ही होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मनी आप आइए, अब हम लेफ्ट हैंड भी देखेंगे। फीड कोई और कर लो, अगर नेक्स्ट टर्न अरने की है। मनी थोड़ी सी बैक लिफ्ट छोटी करिए बेटा, आपकी बैक लिफ्ट बहुत हाई जा रही है। मैं नहीं कहता कि हाई बैक लिफ्ट से आपकी बैटिंग फॉइल हो जाएगी या आप डिफेंसिव को खेलने की पोजीशन में रहोगे नहीं, आपको तकलीफ हो सकती है, आप रिस्क में फंस सकते हो। हमें बैटिंग में कभी भी वो काम नहीं करना जिसमें रिस्क हो, क्योंकि हमें लंबा स्टे करना है, हमें लंबा स्कोर करना है। इसलिए कोशिश करो कि नॉर्मल बैक लिफ्ट से आपका बैट आए। दैट्स बैटर। इसमें बॉटम हैंड थोड़ा सा आ गया, बॉटम हैंड को आप देखो, अगर हमारा बॉटम हैंड रिलैक्स रहेगा उसका हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, फायदा देखिए आप। अगर हम डेज गेम खेल रहे हैं, डेज गेम में क्या फील्डिंग होती है, स्लिप, गली, कवर्स, कई बार मिड ऑफ होता है या खाली कवर्स होता है। इधर मिड ऑन है, फॉल शॉर्ट लेग होगा और फाइन लेग होगा, राइट, ये फील्डिंग होती है। अगर आपने ब्लॉक किया, आपका बॉटम हैंड रिलैक्स्ड है, ब्लॉक किया, बॉल आपके सामने यहां है, तो आप सिंगल के लिए इजीली जा सकते हो, क्योंकि बॉलर फॉलो थ्रू में आगे नहीं आएगा। यही अगर आपका बैट थोड़ा सा पुश हो गया, वो बॉल बॉलर के पास फॉलो थ्रू में पहुंच जाएगी, जो सिंगल आप ले सकते थे वो सिंगल आपको मिलेगा नहीं। इन अ वे ये टैक्टिकल स्ट्रोक भी आपका हो जाता है। ओके, तो बॉटम हैंड को रिलैक्स रखो। क्वेश्चन,
थोड़ा बैट आगे निकालिए, मैंने थोड़ा बैट आगे निकालिए, थोड़ा सा पैर और निकालिए, देखिए बॉल की बाउंस के पास हमारा फ्रंट फुट पहुंचना चाहिए, क्यों? उसके पीछे स्ट्रांग रीजन है कि हमें बॉल की स्पिन को और स्विंग को दोनों को स्मदर करना है। देखो बेटा, कुछ इंच शॉट अगर आपका पैर गिरेगा, मान लो कि आप बॉल को 6 इंच ज़्यादा टर्न करने दिया आपने, आपका पैर 6 इंच कम निकला और 6 इंच आपने टर्न करने दिया बॉल को, वो आपके बैट का एज लेके जाएगी। यही पैर आपका 6 इंच और निकल जाएगा तो आप उतना ही बॉल को कम घूमने का मौका दे रहे हो। सो स्पिन को और मूविंग बॉल को खेलने का एक ही बेस्ट तरीका है, इधर लेट इट मूव कंप्लीटली बैक फुट पे आओ, या डोंट अलाउ टू मूव इट, फ्रंट फुट पे चढ़ के अटैक करो, या फिर पूरा बॉल की बाउंस के पास पहुंच के उसको डिफेंड करो। ओके, शाबाश शाबाश। That's better. थोड़ा सा बॉटम हैंड और रिलैक्स होगा बेटा, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बॉल को यहीं कहीं डेड करने की कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड। बॉल थोड़ा छोटा डाल, लंबा डाला, ड्राइव वाले बॉल है ये, लेंथ पे डाल बॉल। हाँ ये ठीक है, गुड। देखिए बेटा, एक वर्ड है बैलेंस। बैटिंग चाहे आप अटैक कर रहे हो और चाहे आप डिफेंस कर रहे हो, आपकी बॉडी पूरी बैलेंस में होनी चाहिए। अभी मनी का इस पर्टिकुलर स्ट्रोक पे जो स्ट्रोक खेला है, इसमें बॉडी बैलेंस नहीं थी। जहां पे बॉडी बैलेंस नहीं है वहां पे आपसे गलतियां होना ऑब्वियस है, गलतियां होगी आपसे। तो बैलेंस में लाने के लिए ट्रांसफरेंस ऑफ बॉडी वेट फ्रॉम बैक फुट टू फ्रंट फुट हैज टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। कंप्लीट बॉडी वेट आपका आगे वाले पैर पे आना चाहिए एंड फर्मली आना चाहिए। आपका आगे वाला नी बेंड होना चाहिए, इस हिसाब से बेंड होना चाहिए कि आपका हेड स्ट्रोक के बिल्कुल ऊपर आ जाए। गुड वेरी गुड। अनन्या यू कम, बॉल पूरा सीधा रखिए पीयूष, ऑस्ट्रेलियन के बहुत बाहर जा रहे हैं। हाँ ये प्रॉपर बॉल है जिसको आप डिफेंड करोगे। अब आपका ये जो नी है, बैक लेग है, इसको पूरा स्ट्रेट करना। चलो आगे, यस दैट्स गुड दैट्स गुड। ये देखो आपका जैसे ही ये नी बेंड होता है ना, बैक नी बेंड होते ही आपका अपर पार्ट बॉडी का पीछे को खींचेगा, पीछे खींचेगा, हेड भी आपका पीछे खींचेगा। तो स्ट्रोक के ऊपर आपका हेड नहीं है, स्ट्रोक के ऊपर हेड नहीं है तो आपका जो हैंडल ऑफ बैट है वो लीड नहीं करेगा। अगर हैंडल ऑफ बैट डिफेंसिव शॉट में लीड नहीं करेगा तो हमसे गलतियाँ होंगी, बॉल एयर में जाएगा। बॉल को लो रखने के लिए आपका इस एल्बो का बेंड होना और हेड का स्ट्रोक के ऊपर आना बहुत जरूरी है, तभी आपके बैट का हैंडल ब्लेड को लीड करेगा। तो उसके लिए आपका बैक लेग का भी स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। बेटर, चलिए। तो ये हमारा फ्रंट फुट का डिफेंसिव स्ट्रोक था। ओके, इसमें आपको जो ध्यान रखना है खास करके दो तीन पॉइंट का। पॉइंट नंबर वन, जैसे ही आप जज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये मेरा फ्रंट फुट का डिफेंसिव स्ट्रोक है, इमीडिएटली आपका बॉटम हैंड रिलैक्स हो जाएगा और कोशिश करिए कि ये बॉटम ऑफ हैंडल तक स्लाइड डाउन हो जाए। बैकलिफ्ट आपकी शॉर्ट और स्ट्रेट रहनी चाहिए,
मिडिल स्टम्प ऑफ स्टम्प इस एरिया में बैठ, क्योंकि आपको सीधा आना है, आप हमारा कोई फॉलो थ्रू नहीं है, हमें ब्लॉक करना है। दूसरी बात, आपकी फ्रंट एल्बो बेंड होनी चाहिए, हेड आपका स्ट्रोक के ऊपर आना चाहिए। तीसरी बात, आपका बैक फुट टो ग्राउंडेड होनी चाहिए, फर्मली विद इन क्रीज ग्राउंड होनी चाहिए। वो क्रीज में ग्राउंड रहेगी, आपका बैक लेग स्ट्रेट रहेगा, तो जो एक आपकी ड्रैग करने की हैबिट होती है वो दूर हो जाएगी। नंबर चार और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी पूरी पोजीशन को देखने के लिए, क्या हमारी नाइन फिगर बन रही है। नाइन फिगर हमारे दोनों हाथ, दोनों आर्म्स, हेड एंड बैट की पोजीशन, जहाँ पे आपका हैंडल लीड कर रहा है ब्लेड को, ये एंगल आएगा आपका। आई होप कि इस स्ट्रोक को लर्न करने के बाद, इसकी लगातार प्रैक्टिस करने के बाद, आपकी पकड़ स्ट्रोक पे अच्छी हो जाएगी, और जब जब आपकी इस स्ट्रोक पे पकड़ होगी तो आपकी एज बैट्समैन कला बहुत ऊपर आ जाएगी, और जितनी आपकी कला ऊपर आएगी उतना ही आपके पास स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि आपके पास डिफेंस अच्छा है, राइट? तो इसको जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है नेट में, अच्छे तरीके से करनी है। आई विश यू ऑल द गुड लक। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मेरे इस चैनल के व्यूअर्स हैं, कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जितना हो सके। जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।